बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साफ़ी हज़रात, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मौजूद साफ़ी हज़रात, कोरोना की जो दूसरी लहर है उसने दुनिया में जो कोरोना का फैलाव है, जो उसकी शिद्दत है, उससे जो अमवात में इजाफा हुआ है और पूरी दुनिया में एक धूम मची हुई है, एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है। तमाम जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वो सेकंड जो वेव है फर्स्ट के मुकाबले में उसके साथ प्रॉपर कूप करने में उनको दुश्वारी का सामना है। और इसी तरह पाकिस्तान में केसेस जो है आए रोज़ बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता 2-3 दिनों से 3,500 3,600 का एक एवरेज पर डे केसेस सामने आ रहा है और 50 अमवात जो है एक एवरेज है। कल 60 लोग जो है कोरोना की वजह से उनके अमवात वाकई हुए हैं। तो इसी तरह बलूचिस्तान में भी जो सेकंड वेव है उसमें भी शिद्दत आती जा रही है और हमें डर है कि विंटर में ये जो पीक आएगी इसकी, ये जो पहले वेव में मई और जून में जो पीक आया था उससे ज़्यादा शदीद होगा, उससे ज़्यादा इसमें नुकसानात का ख़तरा है। और जो फैटलिटी रेट है पहले वेव के मुकाबले में सेकंड वेव में ये बढ़ रहे हैं। सिर्फ दिसंबर के पहले हफ्ते में हमारे 4 कोविड के पेशेंट्स जो है वो अल्लाह को प्यारे हुए हैं और गुज़िश्ता पूरे महीने यानी अक्टूबर में सिर्फ 5 लोग थे और नवंबर में जो है 15 हमारे कोविड के पेशेंट्स उनकी अमवात वाकई हुई। तो ये जो फैटलिटी रेट है इसका बढ़ना ये बड़ा उसमें शिद्दत आना परेशान कुन है और साथ ही साथ पेशेंट्स का जो फ्लो है हॉस्पिटल्स में वो बढ़ता जा रहा है और हमारे इस वक्त कोई 24 पेशेंट्स जो है वो आईसीयूज़ में है, बाईपैप सीपैप ऑक्सीजन उनको लगी हुई है, गो के अल्हम्दुलिल्लाह वेंटिलेटर पे कोई एक पेशेंट भी नहीं। लेकिन ये है कि केसेस में इजाफा बड़ा ख़तरनाक है। अक्टूबर में 2.1% शरारती केसेस में इजाफे की और गुज़िश्ता महीने ये 7% तक पहुंचा और दिसंबर के फर्स्ट वीक में 11.4% केसेस की शरह है। गो के कल जो हमने रिपोर्ट्स कंडक्ट किए थे 604 सैंपल कलेक्ट किए थे, उनमें जो पॉजिटिव केसेस सामने आए वो 39 है जो 6.5% बनते हैं। कल अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी नज़र आई है लेकिन ओवरऑल जो है केसेस में इजाफा हो रहा है। अब सूरतयाल ये है कि पहले वेव में एक तो ये है कि अवाम में कोविड की वजह से खौफ मौजूद थे और दूसरा ये है कि तमाम हमारा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कोविड के अगेंस्ट एसओपी पे हमल दरामद के हवाले से सब एक पेज पे थे। अब हमें मुश्किल ये सामने आ रहा है कि जो पाकिस्तान की जो अपोजिशन जमाते हैं वो इज्तमाहात कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं जिनमें एसओपीज़ को मुकम्मल नज़रअंदाज किया जा रहा है। और एक तो ये है कि मैसेज पब्लिक को कन्वे हो रहा है कि कोरोना से कोई ख़तरा नहीं है। हमारे बड़े बड़े सीनियर अपोजिशन लीडर्स कोरोना का मजाक उड़ा रहे हैं और ख़ुद कहते हैं कि जहाँ पीडीएम का जलसा होगा वहाँ पर कोरोना खुद ब खुद भाग जाएगी और कहते हैं कि हमें कुर्बानी देना होगा कोरोना के पेशेंट्स को या कोरोना से लोग मुतासर होते हैं, हम इस कुर्बानी के लिए तैयार हैं। तो मैं ये गुजारिश करूं कि पूरे दुनिया में इस वक्त ये सूरतयाल सिर्फ हमारे मुल्क में है कि ऑर्गेनाइज अंदाज में कोरोना को फैलाया जा रहा है। मैं बारहा अर्ज कर चुका हूं कि क्वेटा के जलसे के बाद कोरोना के केसेस में 3 गुना इजाफा हुआ। पंजाब के मैंने डिटेल्स आपके साथ शेयर किए कि गुजरात के गुजरांवाला के जो पीडीएम का जलसा हुआ 16 को उसके बाद 3 गुना उसमें केसेस में पंजाब में इजाफा हुआ था, सिंध में केसेस में इजाफा हुआ, पूरे मुल्क में केसेस में इजाफा हो रहा है। और ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि पब्लिक को हम कन्वेंस करें और एसओपीज़ पे अमल दरामद कराएं उनको, क्योंकि अब हमारे अपोजिशन के अक्सर लीडर्स और कारकुनान एसओपीज़ की वायलेशन को अपना सियासी व नज़रिया अपना नज़रियाती फरीजा समझ रहे हैं। ये
जो पीडीएम है अब वो तो पैंडेमिक डिजीज मूवमेंट में कन्वर्ट होता जा रहा है। कोरोना के फैलाव में उनका एक रोल आगे सामने आया है। और कल जो इन्होंने अनाउंस किया है कि इस्तीफा देंगे, मैं देखिए आपको बताऊं कि पीडीएम न इस्तीफा ले सकती है और ना ही पीडीएम इस्तीफा दे सकती है। कोई इस्तीफा ये नहीं देंगे, सिर्फ इस्तीफा जमा करने का एक शोशा छोड़ा गया है जो 31 दिसंबर तक ये बता रहे हैं कि इनके पार्टी हेड्स के साथ जमा होंगे। और पीडीएम क्यादत के हवाले वो इस्तीफे अभी तक इन्होंने नहीं किया कि वो करने हैं नहीं करने हैं, शायद वहाँ पर इनको ट्रस्ट भी नहीं है और विल नहीं है, कमिटमेंट नहीं है। जाहिर है कि ऐसा डिसीशन नहीं है कि ये इस्तीफा देंगे। ये इस्तीफे का शोशा सिर्फ और सिर्फ 13 का जो जलसा है लाहौर में उसके लिए लोगों को मुश्तहल करना, मोबिलाइज करने के लिए ये शोशा छोड़ा गया है। और मकसद क्या है कि मुल्तान में जो नाकामी का सामना जलसे में रहा इनको, हम ये चाहते हैं कि ये पोज करें, ये शो करें कि इनके अपने पार्लियामेंटेरियंस वो अपनी निशिस्तों की कुर्बानी देने पे आमादा हैं तो लोग भी कुर्बानी देने पे आमादा हों और जलसे में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। और लोगों की शिरकत से क्या होगा कि कोरोना जो है वो तेज़ी से फैलेगा और यकीनन लोगों ही की कुर्बानी देना पड़ेगा। ये जब कह रहे हैं कि हार या पार करेंगे, तो हार या पार इस सूरतयाल में कि जबकि आपका हवाम, आपका मुल्क इस वक्त कोरोना की जद में है, तो फिर ये तो हार हार सिचुएशन है, ये तो लूज लूज सिचुएशन है। कोरोना का यलगार होगा तो आवाम का हार होगा, हवाम को नुकसान होगा। और हवाम को जो है आप जो जलसगा है उसको स्लॉटर हाउस में तब्दील कर रहे हैं, उसको मजहबा खाने में तब्दील कर रहे हैं। और इतना भी एहसास नहीं कि पूरी दुनिया के जो वेस्टर्न ममालिक हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, उनकी परेशानी इंटरनेशनल मीडिया पे, हमारे मीडिया पे जो उनके विजुअल सामने आ रहे हैं, खबरें सामने आ रहे हैं, कितनी बड़ी परेशानी का सामना है, दुनिया ने इसको कितना संजीदा लिया है और हमारे लीडर्स इसको संजीदा नहीं ले रहे। हमारे मोहतरम मुराद अली शाह साहब पहले वेव में वो लॉकडाउन के हवाले से, SOPs पे हमल दरामद के हवाले से बहुत आगे आगे रहे। जब उन्होंने हाथ जोड़ के अपने आवाम से अपील किया था SOPs अमल पे अमल दरामद का, तो कितना उसके इज्जत और एहतराम में इजाफा हुआ। आज वही मुराद अली शाह साहब, उनकी खामोशी, जाहिर है पीडीएम की क्यादत ने उनको बताया होगा, और इस खामोशी से जो अभी रिसेंट एक सर्वे रिपोर्ट आई है उसका जो ग्राफ नीचे गया है उसमें यही एक वजह हो सकती है। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि खुदा रा अगले 3-4 महीने यानी जनवरी फरवरी तक ये जो विंटर सीजन में जो पीक सामने आने का खतरा है ये बड़ा खतरनाक है। और दुनिया में वैक्सीन आ गई है, कुछ ममालिक में वैक्सीनेशन जो है पब्लिक को उन्होंने शुरू कर दिया है, फेडरल गवर्नमेंट ने भी एलोकेशन की है और प्रोक्यूर करेंगे वैक्सीन। तो जब लोगों को हम वैक्सीनेट करना शुरू कर देंगे तो फिर एक नहीं 1000 जलसे करें, 100 जलसे करें, हमें कोई एतराज़ नहीं, हमें तो सिर्फ अपने आवाम से प्यार है। और इसीलिए हम गुजारिश कर रहे हैं कि खुदा रा कि जब डॉक्टर्स कह रहे हैं, कल डॉक्टर्स ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब ने ये एक अलर्ट जारी किया है, मुल्क में इस वक्त हेल्थ इमरजेंसी की सूरत हाल है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि खुदा रा SOPs पे अमल किया जाए। वो किसी पार्टी के नहीं है, वो गवर्नमेंट के लोग नहीं है, गवर्नमेंट के कोलिशन पार्टनर्स नहीं है, डॉक्टर्स के एसोसिएशन में मुख्तलिफ मकतब फिक्र के डॉक्टर साहिबान, उन्होंने यकजा होकर ये गुजारिश की है। और मैं इसलिए ये गुजारिश कर रहा हूँ कि PDM में चूंकि बलूचिस्तान से भी काफ़ी अपोजिशन जमातें जाएंगे, ये वर्कर्स भी यहाँ से जाएंगे, और जब जब गए हैं कोरोना साथ ला के आए। 22 फरवरी को बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, उस वक्त बॉर्डर हमने इसलिए सील किया फौरी तौर पे ईरान के, ईरान में केसेस सामने आ गए थे, हमें डर था कि केसेस वहाँ से हमारे मुल्क में इम्पोर्ट हो सकते हैं। तो ये फैसले हमने इसलिए किए कि अपने लोगों को कोविड से बचाएं। तो क्या ये हमारी PDM की क्यादत ये चाहती है कि जो क्रॉस बॉर्डर लोगों की मूवमेंट है उस पर भी कोई
हम पाबंदी आयद कर लें। तो गुजारिश ये है कि इसको अना का मसला बनाने के बजाय मैं गुजारिश करता हूँ कि खुदारा अभी महकमे मौसमियात की जो एक फोरकास्ट आई है कि 25 दिसंबर से ऑनवर्ड मुल्क में शदीद सर्दी की एक लहर हाल आने वाली है जिससे 52 साल सर्दियों का रिकॉर्ड टूटने का खतरा है। यानी एक तो सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा, दूसरा बारिशें, बर्फबारी, एक तरफ पीडीएम ऊपर से हमारे, फिर आगे से हमारे जो पीडीएमए के इदारे हैं, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, हमारी जो जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जो मुश्किलात बढ़ेंगे, और सर्दियों में अगर 52 साल का रिकॉर्ड टूट जाता है तो इसका मतलब है कि विंटर में केसेस बहुत बढ़ेंगे और एसओपी जलसे जुलूस हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। और सिर्फ सियासी शोशा छोड़ के जलसे को कामयाब करने के लिए ये सारा इन्होंने हार या पार का जो एक जुमला है वो कसा, जिस पे हमें कुछ नज़र नहीं आया। अभी इस्तीफे देने की बात कर रहे हैं। मैं पीडीएम के सफ़ों में मौजूद जितने उनके अपने डॉक्टर साहिबान हैं, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, जो कोविड की सेंसिटिविटी को समझते हैं, इस आलात को समझते हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वो अपना किरदार अदा करें, वो अपनी क्यादत को इस बात पे कायल करें, मायल करें कि फिल वक्त ये जलसे जलूसों का वक्त नहीं है, ये लॉकडाउन का वक्त है, ये लॉन्ग मार्च का जो है वक्त नहीं। मैं पीडीएम के जो सफ़ों में जो उनके अपने जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो हेले बसीरत हेले राय रोग हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपना किरदार अदा करें ताकि ये जो सेकंड वेव है जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है, खुदा ना ख्वास्ता यहाँ पे ऐसी सूरत हाल बन जाती है तो फिर जो हमारी आइसोलेशन फैसिलिटीज़ 2148 बेडेड अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी खाली हैं, जो क्वारंटाइन सेंटर खाली हैं, तो ये चाहते हैं कि वहाँ पे लोगों मरीज़ों की तादाद बढ़े, लोग वहाँ पे जाएँ, वेंटिलेटर्स में जगह कम पड़ जाए, हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ जाए, गवर्नमेंट्स के ऊपर माशी प्रेशर आए, गवर्नमेंट्स मेडिसिन प्रोक्योर करे और कोरोना के लिए बजट एलोकेट करे, लॉकडाउन हो, लॉकडाउन में मीशत कमज़ोर हो। 60 अरब रुपए पहले लॉकडाउन में बलूचिस्तान में ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमी है उस पर नेगेटिव उसका इम्पैक्ट पड़ा था। 8 लाख हमारे डेली वेजेस वर्कर्स वो बेरोजगार हुए थे, 5,20,000 हाउस होल्ड्स खत गुर्बत से नीचे चले गए थे। उस वक्त अपोजिशन के किसी जमात ने न उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया, न किसी के साथ राशन, किसी को राशन फराहम किया। आप सब जानते हैं कि अपोजिशन के बहुत सारे MPAs पब्लिक उनको ढूंढ रही थी, मीडिया सोशल मीडिया पे आपने खुद वो पोस्ट देखे, वो सारे छुप गए थे। और सारा जो जिम्मेदारी है, जो सारा बर्डन है, गवर्नमेंट्स के शोल्डर्स पे आ गया था और हमें अपना किरदार अदा करना पड़ा था। और अब भी हम अपने किरदार जरूर अदा करेंगे, लेकिन अपोजिशन की जमातें, इसी मुल्क की सियासी जमातें हैं, जिम्मेदार अहदेदार और सियासी क्यादत वहाँ पे मौजूद है, वो भी अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। दूसरा ये है कि हमने जो लेबॉरेटरीज हमारे ऑलरेडी हैं कोरोना टेस्ट के लिए कोयटा में, अब एक ग्वादर में हमने इस्टेब्लिश किया है, तफ्तान में, और 9 दीगर PCR लैब्स बलूचिस्तान के 9 मुख्तलिफ अजला में हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और परसों जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो टेंडर भी हो गया और कोशिश हमारी ये है कि मैक्सिमम अपने लोगों का हम सैंपल कलेक्ट करके उनके टेस्ट कंडक्ट करें, एक्चुअल प्रोजेक्शन और एक्चुअल जो ट्रेजेक्ट्री है ताकि वो हमें प्रॉपर समझ आ सके। कुछ दिन कबल एक कमर मसीह हमारे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में स्वीपर के फ़राइस वो सरंजाम दे रहे हैं और इंटरेस्ट पे उसने पैसे लिए थे और सूदखोर माफिया ने उनका जो एक बड़ा काबिल एतराज़ पुरतशद्दुद उसका वीडियो जो उन्होंने वायरल किया था, और जिसके बाद फौरन मैं अगले ही दिन उनके घर हाजिर हो के उनकी मैंने दादरसी की, उनके इशूज़ को मैंने सुना और उस इशू को हमने टेकअप किया, FIR हुआ।
और उस एफआईआर में काफ़ी जो अक्यूज्ड थे उसमें नॉमिनेटेड थे वो अरेस्ट हो गए हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर इंसाफ का जो निज़ाम है ये इसका बोल बाला रहेगा। इसी तरह हम अपने लोगों की खिदमत करेंगे। हेल्थ रिफॉर्म्स हम कर रहे हैं, 11 नए टीचिंग हॉस्पिटल्स बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो हम अपने लोगों की खिदमत कर रहे हैं और हमारा फोकस है तमाम सेक्टर्स पे। लेकिन गुजारिश ये है कि ये जो पैंडमिक की सूरत हाल है कि वबाई सूरत हाल है जिसमें पहले भी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मुतासिर हुए, हमें ख़तरा है। ये जो हम बार बार अपील कर रहे हैं लोगों से, पहले वेव में तो सिर्फ मुझे पब्लिक से अपील करना पड़ता था एसओपी से पे अमल दरामद का, अब अपने सियासी लीडरशिप से भी हमें अपील करना पड़ रहा है। कितने अफसोस की बात है। मैं एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रगुजार हूँ और आखिर में अगेन मैं अपने बलूचिस्तान के आवाम से, अपने मुल्क के आवाम से मास्क के इस्तेमाल, एसओपीज पे अमल दरामद और सोशल डिस्टेंसिंग का गुजारिश करूँगा। और आखिर में मैं हमेशा एक मेरी प्रपोजल है, मेरी तजवीज़ है कि अगर पीडीएम की क्यादत या कोई भी किसी भी जमात का कोलिशन पार्टनर्स हैं या अपोजिशन की कोई जमात है, अगर वो संजीदगी का मुजाहरा नहीं करते तो जो जलसगाह है जिसमें 300 से 400 से ज़ायद लोग मुश्तमे होते हैं, इज्तमा उनकी होती है, उसे क्वारंटाइन सेक्टर डिक्लेयर किया जाए। और इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड हैं क्वारंटाइन सेंटर के जो बलूचिस्तान में हमने इस्टेब्लिश किए थे मुल्क में, वही एसओपीज, वही जो पॉलिसीज़ हैं वो उन जलसगाह पे इम्पोज हो। और जलसगाह में जितने भी लोग जाएं, जब तक उनका वापस सबका सैंपल कलेक्ट नहीं किया जाता, उनके रिपोर्ट सामने नहीं आते, उस वक्त तक किसी को, वर्कर्स और लीडर्स शुरका को, किसी को उस जलसगाह से फिर बाहर निकलने नहीं दिया जाए। जिनके केसेस पॉजिटिव रिपोर्ट हों उनको फिर आइसोलेशन फैसिलिटीज़ या हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट के लिए भिजवाया जाए, और जिनके नेगेटिव आए उन्हें घर जाने दिया जाए। बहुत शुक्रिया।